जाने माने भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की कैप्टनसी पर कमेंट कर नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। जहां हाल ही में कप्तानी कर रहे शुभमन गिल ने कमजोर विपक्षी टीम जिम्बाब्वे को 4-1 से हराकर भारतीय युवा टीम के जबरदस्त पोटेंशियल की नुमाइश की है। वहीं न्यूज रिपोर्टर शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अमित मिश्रा फुल फॉर्म में दिखे और उन्होंने कई जबरदस्त टिप्पणियां कर चर्चाएं बढ़ा दी है। उन्होंने शुभमन गिल के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने गिल को आईपीएल में देखा है और उन्हें कप्तानी का कोई आइडिया नहीं है और ये सवाल उठता है कि उन्हें भारतीय टीम का कप्तान क्यों बनाया गया। वहीं उन्होंने केएल राहुल की कप्तानी पर भी संशय खड़े कर कहा कि आईपीएल ओनर उनकी जगह नया कप्तान ढूंढ सकते हैं। उधर उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तुलना कर क्रिकेटिंग माहौल को और गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा एक शानदार कप्तान है और वो वैसे ही है जैसा वो पहले दिन से थे। वहीं विराट कोहली में फेम और कैप्टनसी के बाद काफी बदलाव आया और उनकी बातचीत फिर कोहली से लगभग बंद हो गई थी। उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि वो भारतीय टीम के सबसे बढ़िया इंसान है और वो टीम में बड़े भाई की तरह सबको बराबरी से देखते हैं। अमित मिश्रा के इस पॉडकास्ट के बाद फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की निगाहें इन बयानों पर टिक गई हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखने लायक होगा।